पर अभी आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, क्योंकि किसानों को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संदेश है, नए कानून से बदलेगी किसानों की जिंदगी, ऐसा कहा है नरेंद्र सिंह तोमर ने, और किसानों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी जी की नीतियां किसानों के हित में है, कृषि मंत्री का ऐसा कहना है। नए कानून पर बिंदुवार चर्चा को भी तैयार है कृषि मंत्री। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नियत दोनों सही है, और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है, और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करें, और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो सुना आपने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, उन्होंने कहा है कि किसानों की हित की ही चर्चा में लगातार सरकार लगी हुई है, सरकार हर तरह की वार्ता करने को भी तैयार है, अगर कोई डिस्कशन करना चाहे तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर में देखिए किसान नेता राकेश टिकैत की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उस पर भी सबकी निगाह है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है, जिसमें साफ तौर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि सरकार ने जिस कानून को लेकर आगे पहल की है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसानों का हित है। अक्षय की तरफ चल रहे हैं हम। अक्षय, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए रोहित, यहाँ पर आज जब किसान नेता निकले तो वो बिल्कुल अलग भाषा बोल रहे थे, वो किसानों से बिल्कुल अलग यहाँ पर डिमांड रखते नजर आए हैं, जो किसान आपको अलग अलग बॉर्डर पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हम तो इसलिए मिल रहे थे कि सरकार किसी भी दबाव में, किसी भी दबाव मतलब किसानों के आंदोलन के इस दबाव में भी इस कानून को वापस बिल्कुल भी ना ले। अभिषेक भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, हमने ये जानने की कोशिश की, 28 संगठन के 11 नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये कानून तो किसानों के हित में है। नहीं, सही बात है, वो 11 नहीं 18 थे, और 18 लोग 28 लोग आने वाले थे, लेकिन 18 ही पहुंचे हैं, और उनका ये कहना है कि हमने समर्थन किया है, और हमने उनसे ये बात बिल्कुल कही है कि अगर आप ये कानून वापस लेते हैं तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मतलब मामला उल्टा हो गया, जो किसान वहां बैठे हुए हैं वो इस किसान कानून के विपक्ष में बैठे हुए हैं, और यहाँ जो किसान मिलने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कानून वापस होता है तो हम आपके खिलाफ विरोध करेंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि सोयाबीन जो MSP के रेट पर 3200 की मिलती है वो मार्केट में मिल रही है 4200 की, मतलब घाटा हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो किसान यहाँ पर आए हुए थे उन्होंने अपने कानून का समर्थन किया है, और लगातार, अक्षय ना हो तो आप गाड़ी यहाँ दिखा दीजिए, हरियाणा के विधायक और सांसद लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं कृषि मंत्री से मिलने के लिए। लगातार ये गाड़ियों का रेला जो दिखाई दे रहा है कृषि भवन के बाहर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये अभी 4:30 बजे की मीटिंग है। वहाँ के सांसद और विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ बड़ी मीटिंग होने वाली है, हो सकता है कुछ बड़ा ऐलान हो। आज का दिन बड़ी खबरों का दिन है, आप ये कह सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर एक के बाद एक तमाम अहम खबरें आ रही हैं, हर खबर से हिंदुस्तान आप तक पहुंचा रहा है। और अभी आपको बता दें कि यहां से जो किसानों का जत्था निकला है वो काफी उम्मीदों के साथ निकला हुआ है, और एक और अहम खबर आ रही है, अभिषेक मेरे सहयोगी बताएंगे वो खबर कौन सी। अभिषेक, आज हमारे देश का किसान संकट में है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। यह आंदोलन बहुत पवित्र है, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, कोई किसी तरह की कहीं हिंसा नहीं है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, और बहुत बड़ी ब्रेकिंग यही है कि आज शाम को जो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस वार्ता में राकेश टिकैत एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और शाम के 5 बजे का इंतजार है, क्योंकि आज की वार्ता बेहद अहम है, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर में भी लगातार सरकार किसानों से वार्ता कर रही थी, और किसान भी वार्ता करके बाहर निकल चुके हैं। और देखिए राकेश टिकैत की मैं आपको दिखा देती हूँ तस्वीर, क्योंकि राकेश टिकैत मंच पर मौजूद है, और शाम को 5 बजे बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं राकेश टिकैत, और कहा जा रहा है कि आंदोलन को खत्म करने का चाबी है वो राकेश टिकैत के पास मौजूद है, और इस वक्त जितने भी किसान नेता है उनको आप देख सकते हैं सारे के सारे मंच में।
मौजूद है। आज बेहद अहम दिन है क्योंकि कोई ना कोई हल निकलने की उम्मीद है। बाबू जी एक बात बताइए, आज कहा जा रहा है कि कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा, आपको लगता है कोई हल निकलेगा? मीडिया को पता होगा, जीनी जी को ज्यादा पता होगा हमसे नहीं, लेकिन वो छोड़िए, हमें पता होना, लेकिन लगता है कोई समाधान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हम एक बात जरूर कहते हैं कि जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है, जितने भी किसान नेता है, जितने भी प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि राकेश टिकैत जो है शुरू से आंदोलन में शामिल है, 19 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, और 5 बजे जो प्रेस वार्ता है वो प्रेस वार्ता बेहद अहम है। अक्षय आप सुन रहे हैं जो प्रेस वार्ता है वो बेहद अहम है। अक्षय ओवर टू यू, आप देखिए कि कृषि भवन में क्या सिचुएशन है, क्योंकि शाम की प्रेस वार्ता पे सभी की नजरें लगी हुई है कि शाम को प्रेस में जो प्रेस वार्ता होगी उसमें राकेश टिकैत क्या कहने वाले हैं। अक्षय ओवर टू यू। हर्षा, जो आप बात कह रही हैं उसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि राकेश टिकैत वहां पर मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन आगे की रणनीति क्या हो इसे लेकर मंथन यहां कृषि भवन में चल रहा है। यहां पर तमाम हरियाणा के जो नेता हैं, जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं, और उनका यही कहना है कि हरियाणा का एक जत्था पहले ही कह चुका है कि हम इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों से जो तमाम किसान नेता पहुंचे थे वो भी यही सुर आलाप रहे हैं कि ये कानून किसानों को हक देता है, उनके लिए बड़ा मार्केट देता है, तो फिर इसे वापस क्यों लिया जाए, इसे क्यों रद्द किया जाए। यानी आज राकेश टिकैत पर नजरें टिकी होंगी कि क्या राकेश टिकैत भी वही भाषा बोलते हैं जो यहां से निकलने वाले नेता बोल रहे थे, और अगर अलग बोलते हैं तब आगे की रणनीति क्या होगी। ये मान लिया जाए किसान धड़ा बढ़ गया है। नहीं, वो बिल्कुल है, और आप देखे हैं ना, यहाँ पर विधायक शमशेर से हमारी बातचीत हो रही थी, तो अब वो दूसरे सुर में है। वो ये कह रहे हैं कि भाई पंजाब बड़ा भाई है और हरियाणा छोटा भाई है, और हरियाणा का पानी जो पंजाब में है वो हमें पानी दो, हम पानी मांगने आए हैं और हम पानी अपने लेके जाएंगे, और उसको लेकर यहाँ पर हरियाणा के विधायकों और सांसदों की मीटिंग है। वो इस बात को लेकर आए हैं कि भैया हमारा जो पानी रोक के रखा है पंजाब के जो 13 या 14 जो किसान संगठन है जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, और ये था कि अनशन पर रहेंगे, हर जगह लोग अनशन पे हैं। अनशन भी एक आंदोलन का हिस्सा है, इसे भी अपनी बात सरकार तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आगे का क्या रणनीति होगी वो कल जो मीटिंग होगी उसमें, क्योंकि मीटिंग हमारी शंघो बॉर्डर पर होती है, सिंधु बॉर्डर पर, जो आगे की रणनीति होगी वो हम कल तय करेंगे। लेकिन अब संभालने वाली बात यह है कि जहां जहां पे भी हमारे अब आंदोलन चल रहे हैं और जो हमारी कमेटियां बनी हुई हैं, ये आंदोलन अब पीसफुल नहीं रहे, क्योंकि कल के बाद में सरकार ने अपने तंत्र को सक्रिय कर दिया। अब ध्यान से सुन लेना सबको, आपके ही बीच में रहेंगे, आपकी भाषा बोल देंगे, आपकी तरह का ही वेशभूषा रहेगी, वे बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे, लोगों को उकसाने की कोशिश करेंगे, वे रास्ता जाम करवाने की कोशिश करेंगे, मीडिया के साथ में न्यूसेंस करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के कुछ आइडेंटिफाइड नारे हैं, बड़े मेहरबानी करके कोई भी जो मीडिया के खिलाफ एक नारा चल रहा उसका कोई इस्तेमाल इस मंच से नहीं होगा करते हैं। मीडिया दिखाई नहीं दिखा रही, सोच रहे हैं कि जो करना है वो यहाँ से स्थान छोड़ के, ये पॉइंट छोड़ के वो जा सकता है। यहाँ आप नहीं कुछ करते तो नहीं दिखाएगा, आप आंदोलन नहीं करोगे तो नहीं दिखाएगा, आप आंदोलन करोगे तो दिखा रहे, आप न्यूसेंस करोगे वो ज्यादा दिखाएंगे, उसका एक मैसेज हमारे ऊपर पूरा गलत जाता है। उन्होंने अपना पूरा जो मीडिया सेल था उसको अलर्ट कर दिया है कल से कि हमारे बारे में गलत खबरें वो दिखाए, कहीं की खबर जोड़कर कहीं की करके वो दिखाए। तो हमारे भी जितने नौजवान साथी हैं वे व्हाट्सएप रखते हैं,
अपनी गांव की जो वीडियो है, अपना जो आप धान गेहूं कोई चीज आप बेचते हो वे किस रेट पर बिक रही है, आज से 10 साल 15 साल 25 साल पहले क्या रेट थे, आज क्या रेट है, आपको डाटा उठा के आपको भी वो इस्तेमाल करना है। जैसा वह कर रहे हमको उससे बढ़िया दिखाना है, यहाँ पे क्या रेट है गाँव में हम क्या रेट बेचते हैं, लोग किस तरह से यहाँ पे लेट रहे हैं। प्रदीप इस आंदोलन को लाइव चल रहा है, प्रदीप लाइव चल रहा है, ठीक है जी। हमारे तेरे जम गए हैं, इनको मजबूती नहीं देनी है हमको, हमको आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, बराबर में जाना है, दूसरी रोड पे जाना है, वो पूरा यहाँ पे भी तय नहीं होता, हमारे भी हाथ में कुछ नहीं है, वो सारा तय वहां से होता है। दिल्ली चलना होगा तो सब चलेंगे, ये नौजवान क्यों चलेंगे आगे, ओके ओके पीछे रखेंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं वे चलेंगे पहले आगे। तो आज भी क्योंकि हमको पता था कि कल से एक प्लान बनी हुई है, जो बच्चे हैं हमारे वे प्लान बना रहे कि हम उधर जाएंगे, तो बगैर सलाम मशवरे के करके कहीं नहीं जाना। आप देखो पूरा सिस्टम को देखो, ये आंदोलन कैसे चलता है इसको सीखो, एक दूसरे के टेलीफोन एक्सचेंज करो, इतना बड़ा मेला पता नहीं कब मिले ना मिले, क्या होगा, कौन यहाँ बचेगा, कौन यहाँ से जाएगा, जब आप यहाँ से घर जाओ एक आपके पास में सबके संपर्क हो, आप उनके पास में जाओ, एक एक आदमी 10-10 लोगों के नंबर हो, यहाँ पर सक्रिय रहो, कोई गलत आदमी को नहीं आ रहा। कल भी यहाँ पर आए कुछ छात्र आए यहाँ पे अपने झंडे में पोस्टर ले रहे, कुछ इस तरह के पोस्टर भी आ सकते हैं, पर्चे बढ़ सकते हैं, जो विवादित हो, जो देश में प्रतिबंधित हो वो भी बांटने का काम कर सकते हैं, तो उन चीजों से भी हमको ध्यान रखना है। LIU इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पे हैं, उनके आप संपर्क में रहो, पुलिस के लोग हैं इनसे संपर्क में रहो, पत्रकार बंधु हैं उनके संपर्क में रहो, और उनसे संपर्क होगा जो गलत आदमी होगा उसको आप हमको बताओ, तो यहाँ पर सब लोग अपने भी लगे हुए हैं, एक दूसरे को जानो पिछालो और हमको सब की निगाह रखनी है। इस आंदोलन को हमको पीसफुली आंदोलन चलेगा तो ये आंदोलन लंबा चलेगा, आप न्यूज चेंज करोगे ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार को चाहती है कि आप हमारे ऊपर डरे पर तब है, सरकार तो चाहती है ये, एक पुलिस वालों का 10-15 मार तो आपका आंदोलन खत्म, आपको ध्यान रखना है, सभी बच्चों को ध्यान रखना है, आंदोलन देश के पूरे वॉलंटियर होते हैं, हम भी यहाँ पर पूरी वॉलंटियर की टीम बनाएंगे, कोई पॉलिटिकल आदमी भी आ रहा है, कोई झंडा बैनर लेकर नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर पार्टी के किसी को पता है कि बीजेपी के बड़े जो लीडर थे अगर उनको टिकट मिल जाता वे जीत जाते तो वे हाउस में होते वे केले बांटते, कई दिन से आपके यहाँ पे आगे वो यहाँ तक भी नहीं आए, कुछ बोल कर भी चले गए आपको पता भी नहीं है। तो अगर समर्थन में कोई भी आ रहा है तो आ जाओ, अपना झंडा बैनर थोड़ा लेकर आ रहा है, उनकी आस्था है, उसमें तो बहुत लोग हैं, वे किसान हैं, खेती करते हैं, नाश उनका भी हो गया, वे कह रहे जी हम कर तो सकते नहीं, लगे रहो अटना नहीं, तो वे भी तो है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ज्यादा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहा, हमारी लड़ाई भारत सरकार से है। तो ये देखिए राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, और लगातार अब सुलह के रास्तों को तलाशा जा रहा है, राकेश टिकैत को सुनिए और अभी उस झंडे और बैनर को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हो रही थी कि कौन वहां आ रहा है क्या आ रहा है, तो जो अहम बातें हैं वो हम आपको बता दें, जो बड़ी खबरें अभी आ रही हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। बंद करोगे कहीं ध्यान से सुन लेना, तो ये सारे हाईवे बंद होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जितनी देर ट्रैक्टर बंद होंगे तो उनको होंगे, और अगर ज्यादा आप बंद करोगे तंग करोगे हमारे लोगों को तो नीचे के भी बंद होंगे, और अगर हो ज्यादा तंग करोगे तो आपके थानों में जिस थाने में जिस जिले में पुलिस तंग करेगी उसके थानों में पशु बांधने का भी काम हमारे लोग करेंगे।
का इलाज करना जानते हैं। दो ही रास्ते हैं, हमारे गांव का रास्ता बंद हो गया या तो हमारा रास्ता ये सरकार बिल वापसी ले ले, इसमें कानून बना दे, गांव के रास्ते बंद है, और दूसरा रास्ता है गोली। हम उसके लिए तैयार है पूर्ण रूप से। हमने सरकार को बता दिया आप गोलियां चलाओ, हम मरेंगे गांव नहीं जाएंगे। घर से मैसेज आ गया घर नहीं आना वापसी, तो जब घर से मैसेज आ गया घर वापसी नहीं आना तो जाना कहाँ है? ये लड़ाई लड़के जाना है और लड़ाई जीत कर जाना है। कमजोरी नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरे देश का किसान साथ में है। ये लड़ाई आर पार से है, ये लड़ाई बड़े है, ये लड़ाई इंसाफ की है। अगर ये लड़ाई हार कर चला गया तो देश में किसान आंदोलन फिर खड़ा नहीं होना, जाने नहीं है जी। अगर ये लड़ाई जीत कर गया तो किसान को कोई हराने वाला नहीं है। अपने बालकों के लिए, अपने जमीनों के लिए, जो जमीन हमें बुजुर्ग और देकर गए उसको बचाने वास्ते ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और खड़े होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लंगर फेंक कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कमजोरी कहीं नहीं है, कोई भी पुलिस प्रशासन अगर किसी जिले में कहीं रोकने की कोशिश करी तो उसका खामियाजा उसी को भुगतना पड़ेगा। हमने कह दिया कि हमारी लड़ाई अभी उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं, हरियाणा सरकार से नहीं, उत्तराखंड सरकार से नहीं, रोकने की कोशिश नहीं करना। हम एनएच हाईवे पर गुआ रहे हैं, इस पर गुआएंगे। हमारे ट्रैक्टर को अगर कोई रोकेगा तो हम यहाँ पे हाईवे रोक देंगे। ये ध्यान से बता देना, जितनी देर ट्रैक्टर रुकेगा उतनी देर हाईवे रुकेगा। ये नौजवान साथी हाईवे पर नहीं जाएंगे, हाईवे पर कौन लोग जाएंगे पहला जब था वो हम बताएंगे। ये बुजुर्गवार होंगे, जिनकी अडाड़ी सफेद होगी वो जाएगा, नौजवान मुंडा नहीं कोई जाएगा, वो पीछे रहेगा, ट्रोली बच रहेगा, अंदर नहीं जाना, कौन जाना है? अगर जाना तो केसरी पगड़ी वाला जाना, और फिर दूसरा जब तक दिल्ली पगड़ी वाला जाना, हम सुनेंगे कौन जाएगा। हम तय करेंगे, इनसे ही कर देंगे, एक केसरिया पगड़ी नंबर एक पे चलेगी तो केसरी उस पर चले जाएगा, ए हरी पगड़ी जानी तो दूसरे वाले चले जाएगा, ए इधर मुंडा जाना है तो इधर चला जाएगा। तो बताएंगे कौन जाना, बचकर रहना, अपने बीच में कोई लोग लावे उनसे ध्यान देना है। तो देख लीजिए, राकेश टिकैत ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारे ट्रैक्टर रोके जाएंगे तो हम हाईवे को रोक देंगे, यानी ये आंदोलन कह दिया गया है उनके घर से भी कि अब आंदोलन जो है। टोपी वाले भाई, वो ग्रीन में पगड़ी और टोपी में कोई अंतर थोड़ा, पगड़ी रहेंगे तो ये है कि आप शांति से रखें, जो ट्रॉली रुकेगी उसका एक कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाएंगे, चार नंबर उसके देंगे। किसी की ट्रॉली रुकती है कोई दिक्कत होती है, क्योंकि जत्था बड़ा होता जान लग रहा, हमको निगाह भी रखनी है। जो सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक, और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।